हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह एक बार फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ तमिलनाडु के सूल, छोटे से एक फ्लेज है सूलगिरी, और उस सूलगिरी के बीच में एक छोटा सा पार्क है, एक सोसाइटी का पार्क है। ये गवर्नमेंट ने ही ये बनाया हुआ है, अम्मा पार्क। ओके, ये पार्क का नाम है अम्मा पार्क बोलते हैं। तो आज मैं यहाँ पे पहले भी आता हूँ, मैं यहाँ पे आते रहता हूँ अक्सर। तो आज सोचा चलो एक सुबह जल्दी उठ गए तो आप लोगों को एक बार सैर कराते हैं हमारे पार्क का, और सुबह का जो भी एक्टिविटीज होता है वो सब दिखाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं भी थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। तब तक आप लोग देखिए कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जिम के अंदर। ये अंदर जिम है, जिम तो मैं करता नहीं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह है वो सब करना पड़ता है मुझे, तो वही करूँगा मैं जो मेरे स्पाइनल कॉर्ड के लिए सही रहेगा। कम इनसाइड। मैं उधर स्टे भैया। हाँ, स्टे मोतकनपल्ली। ये मोतकनपल्ली? यस, मोतकनपल्ली टोमेटो मार्केट। ओके भाई, शक्ति टोमेटो मार्केट बैक साइड। ओहो, जिम का लॉक तो खुला नहीं है ना? एवरीडे लॉक। एवरीडे डेली? व्हाई? ये मेंटेनेंस नहीं। तो लास्ट टाइम यहाँ पे सबने 5500 करके कंट्रीब्यूशन किया था ना? कंट्रीब्यूशन का ये गवर्नमेंट मेंटेन नहीं, गवर्नमेंट मेंटेन नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं कर रहा है, वो तो मुझे भी पता है, देख रहा है मैं। लेकिन कुछ यहाँ पे मेंबर्स थे वो लोग। मेंबर से ये वॉचमैन नहीं ना? ओके ओके ओके। तो दोस्तों, थोड़ी यहाँ की जो कंडीशन है वो नॉट गुड, क्योंकि जिम का इधर देखिए, मैं अभी बैक साइड तो नहीं दिखाऊंगा आप लोगों, जिम का सारा कंडीशन ऐसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जिम ट्रेनर भी नहीं है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी केयरलेस तो हो ही जाती है। तो लेकिन लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था तो काफी, माय नंबर 8247603730, दीपक फ्रॉम दार्जिलिंग। एक नंबर है 8247603730। तो हमारे ये ब्रदर मिले, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। और सुबह की हमारी जो वर्कआउट है, अभी जिम के अंदर तो हुआ नहीं। तो दोस्तों, मैं यहीं पे थोड़ा, अब अंदर तो जा नहीं पाए, लेकिन मुझे ज़्यादा कोई हार्ड तो करना है नहीं, एक्चुअली मुझे फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सब चीज काफी प्रॉब्लम होती है मुझे करने में, तो मैं करता नहीं ये सब, लेकिन आज जिम बंद है तो उसके लिए बाहर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर चलेंगे। ज्यादा नहीं, ज्यादा स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो यहीं तक ठीक है। हमें वैसे नॉर्मल लोगों को सारे एक्सरसाइज करना चाहिए, बट मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिससे मेरी
स्पाइनल में इफेक्ट करे, स्पाइनल को प्रॉब्लम करे, तो कुछ ही चीज़ ऐसा है जो मुझे करना होता है। फिजियोथेरेपी ज़्यादातर मुझे फिजियोथेरेपी करना पड़ता है तो मैं घर में कर लेता हूँ, लेकिन सुबह सुबह का टाइम यहाँ पार्क में आने का मज़ा ही कुछ और है। तो पार्क में आने के बाद यही है, थोड़ा यहाँ पे वर्कआउट कर लेते हैं, फिर अंदर है साइकिलिंग वगैरह वो कर लेते हैं, पुशअप्स वगैरह करने के लिए सुविधा है अंदर, लेकिन अंदर लॉक है अभी तो आज अंदर नहीं जा पाएंगे। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया कीजिए। मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। नहीं भाई, अगला मेहनत कर रहा है इनको भी थोड़ा सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग यूट्यूब में ऐसे वायरल हो जाते हैं, पता नहीं क्या उनका लक बोले क्या बोले, दो चार बात बोल दिए वही वायरल हो जाता है। तो हमारी तो कोशिश है आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएँ और आप लोगों को दिखाएं बताएं। और दोस्तों मैं एक डिसेबल पर्सन, 85% डिसेबल हूँ, ओनली 15% सही हूँ मैं बॉडी में फिजिकली। तो मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ तमिलनाडु में, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का काम है, मैन पावर प्रोवाइड करता हूँ मैं कंपनियों को। मेरा मेरा कंपनी का नाम है अल्फा मैन पावर सॉल्यूशन, तो वही काम करता हूँ। और अभी YouTube के साथ जुड़ा हूँ, YouTube को मेरा चैनल स्टार्ट किया हुआ 1 ईयर हो गया दोस्तों, लेकिन अभी उसमें मैं अभी 2-2.5 महीने से 3 महीना हो गया मान लीजिए, 3 महीने से मैं अब बिल्कुल कंटिन्यूली काम कर रहा हूँ YouTube में, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो भी डाल रहा हूँ, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी भी कुछ आसान हो जाए तो सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट अगर मिल जाए तो हम भी अपने लाइफ को कुछ इजीली सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों बहुत टफ है लाइफ सरवाइव करने में, बहुत टफ है हम लोगों के लिए खास करके दोस्तों, लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, बस किसी के सामने भीख नहीं मांग रहे कि भैया दे दो, नहीं नहीं ये तो कभी ज़िंदगी में होगा भी नहीं मेरे से। और जब तक सांसें रहेगी, जब तक ताकत रहेगी बॉडी में, जब तक पावर रहेगी तब तक करेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, बाकी बात की देखी जाएगी क्या होगी, है ना। फ्यूचर किसने देखा है, भविष्य किसने देखा है, किसी को पता नहीं। हम ना पास्ट में जा सकते हैं और ना ही फ्यूचर को देख सकते हैं, तो बेहतर यही है प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में जिए और जिंदगी का मजे लें, क्या पता कब क्या हो जाए। यहां से लेके जाना तो कुछ है नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, 2 दिन का मोह माया है इस संसार का, बस उसके बाद क्या है, 2 गज जमीन फिर खत्म। ठीक है दोस्तों, ये भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा ना हो बाद में एक्सरसाइज के चक्कर में फिर स्पाइनल में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। दोस्तों मेरी आज सुबह की रूटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट, सुबह का जो भी वर्कआउट था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों घर में। तो दोस्तों आज का इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपके दोस्त दीपक को।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।